दोस्तों जिस चीज़ का इंतजार मुझे बहुत ज़्यादा टाइम से था, फाइनली वो चीज़ आज मेरे पास आ चुकी है। अभी आप देख सकते हैं गूगल एडसेंस पिन मेरे पास फाइनली आज डिलीवर हो चुका है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको गूगल एडसेंस पिन को गूगल एडसेंस अकाउंट में वेरीफाई करके दिखाऊंगा। इसी के साथ गूगल एडसेंस से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चन और जितने भी डाउट्स हो सकते हैं सबको मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने गूगल एडसेंस पिन को पहले ही अटेम्प्ट में अपने एड्रेस पर डिलीवर करवा सकते हैं और कैसे आप गूगल एडसेंस पिन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा जरूर से देखिएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंकित और आप देख रहे हैं टेक्निकल एन की यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप पहली बार देख रहे हैं हमारे वीडियोस को तो आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए, जिससे ऐसे जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आएंगे उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि कैसे आपको गूगल एडसेंस पिन के लिए अप्लाई करना होता है। जब आपके यूट्यूब चैनल पर मोनेटाइजेशन का क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाता है और जब आप अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं, जैसे ही आपका यूट्यूब चैनल का मोनेटाइजेशन एक्सेप्ट हो जाता है और आपके यूट्यूब चैनल पर जैसे ही $10 कंप्लीट हो जाएंगे, वैसे ही आपके पास इस तरह का नोटिफिकेशन आता है आपके YouTube चैनल पर। तब आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना पड़ता है अपने YouTube चैनल पर। कैसे आपको करना है उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, यहां पर क्लिक करने के बाद आप इस वीडियो को देख सकते हैं। जैसे ही आप इस वीडियो को देखने के बाद आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लेते हैं, वैसे ही ऑटोमेटिकली गूगल एडसेंस पिन के लिए अप्लाई हो जाता है और 1 से 2 वीक के अंदर आपके पास एड्रेस पे डिलीवर हो जाता है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप अपने गूगल एडसेंस पिन को पहले ही अटेम्प्ट में रिसीव कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं, यह है गूगल एडसेंस का एनवलप। इसके आगे पीछे चारों तरफ आप देखिए, यहां पर आपको कहीं पर भी आपका मोबाइल नंबर नहीं लिखा होता है, सिर्फ आपका एड्रेस यहां पर लिखा हुआ है और जहां से ये आया है वहां का ये एड्रेस लिखा हुआ है यहां पर। तो जब भी ये रिसीव होने वाला होता है, जो भी आपका एड्रेस होता है उस पर ये आता है। तो पहले अटेम्प्ट में आप कैसे रिसीव कर सकते हैं, उसके लिए जो आपका पिन कोड है उस एरिया का जो भी पोस्ट ऑफिस है, पोस्टमैन से आप कॉन्टैक्ट करिए। जैसे आप अप्लाई कर देते हैं उसके 4 से 5 दिन बाद कॉन्टैक्ट करिए और आप उनका मोबाइल नंबर ले लीजिए। तो आपको क्या करना है, आपका जो पोस्टमैन है उससे आपको डेली कंफर्म करना है कि आपका पिन आया है या नहीं आया है, जिससे आपका जो पिन है जब उनके पास रिसीव होगा वो आपको बता देंगे, आप उनसे रिसीव कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने पिन को रिसीव कर सकते हैं पहले ही अटेम्प्ट में अपने एड्रेस पे। तो दोस्तों अभी मैं आपको दिखाता हूं गूगल एडसेंस पिन किस तरह का दिखता है। आप देखिए इस तरह का एनवलप होता है, इसके ऊपर यहां पर लिखा हुआ है रिमूव साइड एजेस फर्स्ट, यानी जो एजेस है उन्हें सबसे पहले रिमूव करना पड़ेगा। तीनों साइड में यहां पर इस तरह की ये स्ट्रिप होती है, सबसे पहले इसे आपको रिमूव करना पड़ता है। आप देखिए इसका साउंड कितना प्यारा है, कितना रिलैक्सिंग साउंड है, कि मतलब इसका ही वेट काफी टाइम से मैं कर रहा था, क्योंकि काफी मेहनत करते हैं हम यूट्यूब चैनल पे और जब हम कंटेंट को अपलोड करते हैं उसका कोई यहां पर रिस्पॉन्स मिलता है तो काफी ज्यादा अच्छा लगता है। आप देख सकते हैं इस तरह से आपको यहां पर जो साइड स्ट्रिप है इन्हें आपको हटाना पड़ेगा। जैसे ही आप साइड स्ट्रिप को हटा लेंगे, अभी आप देख सकते हैं एनवलप है वो खुल जाएगा और कुछ इस तरह से एनवलप है वो ओपन हो जाता है। इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पिन है वो भी लिखा हुआ है, अभी आप देख सकते हैं सामने आपके पिन है, यही गूगल एडसेंस का पिन होता है। इसे वेरीफाई करने के बाद जो आपकी अर्निंग है वो आपके गूगल एडसेंस अकाउंट में आना स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पर कैसे आपको करना है उसके यहाँ पर पूरे इंस्ट्रक्शन भी लिखे होते हैं। तो दोस्तों अभी मैं आपको लेके चलता हूँ अपने लैपटॉप की डिस्प्ले पे, फिर आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप इसमें गूगल एडसेंस पिन को वेरीफाई कर सकते हैं। यही प्रोसेस आप अपने मोबाइल फोन में भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, गूगल क्रोम को आप अपने मोबाइल फोन में ओपन करिए, वहाँ पर आप यूट्यूब स्टूडियो को ओपन करते हैं। जैसे आप 3 डॉट पर क्लिक करते हैं वहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा डेस्कटॉप साइट का, जैसे आप डेस्कटॉप साइट पे क्लिक कर देते हैं, जैसे लैपटॉप या फिर पीसी में वेबसाइट ओपन होती है उसी तरह से ओपन हो जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले आपको गूगल क्रोम को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप यूट्यूब स्टूडियो को ओपन कर लीजिए, जिसका URL होता है studio.youtube.com। जैसे ही आप इसे ओपन कर लेते हैं उसके बाद आपको क्लिक करना है अर्न के ऊपर। जैसे ही आप अर्न पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, यहाँ पर लिख के आ रहा है एक्शन रिक्वायर्ड कन्फर्म योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन और नीचे पिन वेरिफिकेशन के लिए भी यहाँ पर बोल रहा है। तो हमें क्या करना है, सिंपली एक बार कंप्लीट इन एडसेंस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कंप्लीट इन एडसेंस के ऊपर क्लिक करेंगे वैसे आप रिडायरेक्ट हो जाते हैं अपने गूगल एडसेंस अकाउंट के अंदर, जो भी गूगल एडसेंस अकाउंट आपने लिंक कर रखा है अपने यूट्यूब चैनल के साथ में। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं यहाँ पर एक नोटिफिकेशन भी आ रहा है कि योर पेमेंट्स आर होल्ड बिकॉज यू नीड टू वेरीफाई योर एड्रेस, यानी जैसे ही हम पिन को वेरीफिकेशन कर लेंगे वैसे ये जो एरर आ रहा है वो हट जाएगा और इसके सामने एक्शन लिख के आ रहा है, इस पर भी क्लिक करके आप डायरेक्टली वेरीफाई कर सकते हैं पिन को। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं यहाँ पर लिखकर भी आ रहा है कब ये पिन सेंड किया गया था, यहाँ पर लिख के आ रहा है बी मेड यू ए पिन ऑन 16 अगस्त, यानी 16 अगस्त सेंड किया गया था और आज है 28 अगस्त, यानी यहां पर 12 डेज के भीतर ये जो पिन है वो रिसीव हो चुका है। तो वेरीफाई करने के लिए सिंपली आप एक्शन पे क्लिक कर सकते हैं या फिर आप यहां पर डायरेक्टली वेरीफाई पे क्लिक कर सकते हैं। तो सिंपली आप एक बार वेरीफाई पे क्लिक करिए, जैसे ही आप वेरीफाई पे क्लिक करते हैं आपके सामने ये टैब ओपन हो जाएगी। यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट दिख रहा है, क्योंकि जब आप अपने गूगल एडसेंस अकाउंट के अंदर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली जो पिन है वो सेंड कर दिया जाता है आपके एड्रेस पे। इसके नीचे आप देख सकते हैं एड्रेस वेरिफिकेशन के नीचे यहां पर पिन इंटर करने का ऑप्शन आ रहा है।
रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको जो पिन है वो यहाँ पर इंटर करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप पिन को इंटर कर देंगे उसके बाद सिंपली आपको एक बार सबमिट पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे कुछ ही सेकंड्स बाद आप देखेंगे यहाँ पर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन वो भी कंप्लीट लिख के आ रहा है और एड्रेस वेरिफिकेशन वो भी कंप्लीट लिख के आ रहा है। यहाँ पर एक बार मैं होम पेज पे चलता हूँ और एक बार यहाँ पर रिफ्रेश करके देख लेते हैं यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है वो हटा है या नहीं हटा है। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो नोटिफिकेशन दिख रहा था, एरर दिख रहा था पेमेंट सोल्ड का, वो हट चुका है। तो दोस्तों आपने देखा इस तरह से हम गूगल एडसेंस पिन को गूगल एडसेंस अकाउंट के अंदर वेरीफाई कर सकते हैं। और आपके गूगल एडसेंस पिन से रिलेटेड जो भी डाउट्स थे मैंने इस वीडियो में आपको क्लियर कर दिए हैं। फिर भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप टाइप करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर से करिए। अगर आप अपने यूट्यूब चैनल पर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन को कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप ऊपर वाला वीडियो देख सकते हैं। अगर आप अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप नीचे वाला वीडियो देख सकते हैं। अगर आप पहली बार देख रहे थे हमारे वीडियोज को तो आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूं आपसे किसी अगले वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।